गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी बी का चैप्टर नंबर 2, बी नाइस। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय नेम्ड सैमी। बहुत समय पहले एक छोटा लड़का जिसका नाम सैमी था रहता था। ही वॉज अ गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का था। ही वॉज गुड इन हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। Obedient to his parents, अपने माता पिता का कहना मानता था। More intelligent than many other boys in his class, और अपनी क्लास के जो और लड़के थे उनसे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था और सबके साथ वो बहुत दयालु था। Grown-ups as well as those junior to Sammy loved him very much. बड़े लोग भी और जो लोग छोटे थे सैमी से, वो सब सैमी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बट दैट अरोज्ड जेलिसी इन मैनी अदर बॉयज हु लॉन्ग टू बी एज लव्ड एज सैमी। लेकिन ऐसे सबका उसको प्यार करने की वजह से जो और लड़के थे वो उससे सैमी से बहुत ज्यादा जलने लगे और उनको बहुत ज्यादा जेलसी हो गई, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जिस तरह सब सैमी को प्यार करते हैं उस तरह उन्हें भी सब लोग प्यार करें। नाउ देयर वॉज अनदर बॉय नेम टिमी हु स्टडी इन द सेम क्लास एज सैमी। तो वहां पर एक और लड़का था जिसका नाम था टिमी, जो कि सैमी की ही क्लास में पढ़ता था। अनलाइक सैमी ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज एंड ऑलवेज लाइक टू प्ले ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। सैमी की तरह वो बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था और वो हमेशा स्कूल के समय में, पढ़ाई के समय में खेलने में लगा रहता था। ही मिसबिहेव विद हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से मिसबिहेव भी करता था, उनके साथ बदतमीजी भी करता था। बुलेट द क्लासमेट, और जो क्लासमेट्स थे, जो उसके सहपाठी थे, उन लोगों को बहुत परेशान भी करता था। एंड इवन इल ट्रीटेड सैमी, और सैमी को भी बहुत बेजती करता था, बहुत ज्यादा उसके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता था। ही ऑलवेज ट्राइड टू पुट सैमी डाउन एंड बी लिटल्ड हिम। तो उसको, वो हमेशा सैमी को, जो टिमी था, वो हमेशा सैमी को नीचा दिखाना चाहता था। बिफोर अदर किड्स इन द क्लास, दूसरे बच्चे जो क्लास में थे उनके सामने वो हमेशा उसकी बेजती करता था और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता। बट नो मैटर वॉट ही डिड, लेकिन कुछ भी हो जाए, सेमी ग्रेड्स केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। इतना सब कुछ करने के बाद में, उसे नीचा दिखाने के बावजूद भी और उसको परेशान करने के बावजूद भी, सेमी के जो नंबर थे, सेमी के जो मार्क्स थे पढ़ाई में, वो अच्छे और अच्छे होते चले गए। वेदर इन स्टडीज और इन स्पोर्ट्स और फ्रॉम हिज क्लासमेट्स, और चाहे पढ़ाई हो या खेलकूद हो, सभी में उसके सहपाठियों के मुकाबले जो सैमी था वो हमेशा अव्वल ही रहता था, उनसे बेटर ही रहता था। सैमी केप्ट गेटिंग एकोलेड्स फ्रॉम एवरीबडी। अब जो सैमी था वो सबका बहुत प्यार हमेशा पाता था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वो जहां भी जाता था वहां पर उसकी तारीफें होती थी। On his 8th birthday, Sammy got a nice pin as gift from his parents. जब सैमी का 8वां बर्थडे था, तो सैमी के माता पिता ने भेंट स्वरूप सैमी को एक बहुत ही अच्छा पेन दिया। He brought it to school so that he could use it to take down the notes of the lectures that the teachers gave in class. तो वो उसको स्कूल ले आया, जो पेन उसके पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट किया था वो उस पेन को स्कूल लेकर आ गया। और उसने, वो ये चाहता था कि जो भी टीचर्स उसको क्लास में पढ़ाएं, जो भी वो सीखे, वो सब कुछ वो उसको नोट डाउन कर ले, लिख ले। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पेन एंड इट कुड हेल्प वन राइट वेरी फास्ट। और वो बहुत ही खूबसूरत पेन था, और कई बार जो पेन बहुत बढ़िया चलते हैं उनसे आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी आती है और आप बहुत जल्दी जल्दी लिख भी लेते हैं, तो ये भी एक उसी प्रकार का पेन था। When Timmy saw it, he was very jealous of Sammy. He asked Sammy. अब जब उसने
जो टिमी था उसने सैमी के पास इतना अच्छा खूबसूरत और बढ़िया राइटिंग वाला और जल्दी लिखने वाला पेन देखा जो कि सैमी को उसके माता पिता ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट करा था, तो उसको बहुत जलन हुई, वो बहुत जेलस हो गया सैमी से और उसने सैमी से कहा, अब क्या कहा, हे वेयर डिड यू गेट दैट, डिड यू बाय इट, अरे तुम्हें ये पेन कहाँ से मिला, क्या तुमने इसे खरीदा है। अब सैमी ने उसको जवाब दिया, माई पेरेंट्स गेव इट एज अ बर्थडे गिफ्ट टू मी, रिप्लाइड सैमी, मेरे माता पिता ने मेरे को बर्थडे पर मेरे 8वें बर्थडे पर मुझे एज अ गिफ्ट ये जो पेन है वो दिया है। टिमी वॉज ओवरवेल्म्ड विद एंगर। अब क्या हुआ, टिमी जो था वो बहुत, उसको जबरदस्त एंगर और जेलसी आ गई, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया और उसे बहुत ज्यादा जलन भी हुई। द बैड बॉय डैट ही वॉज, ही रेयरली गॉट एनी प्रेजेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब क्योंकि वो एक अच्छा लड़का तो था नहीं, सबको परेशान करता था, अपने माँ बाप की बेइज्जती करता था, उनका कहना नहीं मानता था, सबको तंग करता था, तो हम उसको एक बैड बॉय कंसिडर कर सकते थे। और बैड बॉय होने की वजह से कभी भी उसके पेरेंट्स ने, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, उन्होंने उसे कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया था। ही डिसाइडेड टू स्टील सैमीज पेन। और उसने क्या डिसाइड करा टिमी ने, कि वो सैमी का पेन को चुरा लेगा। ड्यूरिंग रिसेस व्हेन एवरीबडी हैड गॉन आउट फ्रॉम द क्लास, टिमी ओपन सैमीज बैग एंड टुक आउट हिज पेन। अब जब इंटरवल हुआ, जब रिसेस हुआ, तब सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं लंच करने के लिए, तो जब सारे बच्चे बाहर लंच करने के लिए चले गए तो क्लास के अंदर कोई नहीं था, तो टिम्मी ने क्या करा, टिम्मी ने जाके सैमी का बैग खोला और उसके बैग को खोलने के बाद में उसने जो पेन था वो उसके बैग में से निकाल लिया। देन ही हिड इट इन साइड हिज बैग एंड वेंट टू हैव हिज टिफिन। और फिर उसने उस बैग को क्या करा, उसने उस बैग पेन को, सॉरी, उस पेन को अपने बैग के अंदर छुपा लिया और फिर अपना टिफिन खाने के लिए बाहर चला गया। व्हेन सैमी केम बैक एंड कुड नॉट फाइंड हिज पेन। अब जब सैमी वापस आया तो उसने अपना पेन अपने बैग के अंदर नहीं पाया। अब क्यों नहीं पाया, क्योंकि जो टिमी था उसने ऑलरेडी उस पेन को उसके बैग में से चुरा लिया था और चुराने के बाद में उसको अपने बैग में छुपा लिया था, तो कैसे सैमी को अपना पेन अपने बैग में मिल जाता। तो अब सैमी ने ही इन्फॉर्म्ड हिज क्लास टीचर अबाउट इट। सैमी ने अपनी जो क्लास टीचर थी, जो मैम थी उनकी, उनको इसके बारे में बता दिया कि वो एक पेन लेकर आया था जो उसके पेरेंट्स ने उसको बर्थडे का गिफ्ट दिया था और वो अब मिल नहीं रहा है। द हंट फॉर द मिसिंग पेन एंड द क्लास टीचर ऑर्डर्ड द क्लास मॉनिटर टू सर्च एवरी बैग ऑफ एवरी चाइल्ड इन साइड द क्लास। अब क्या हुआ, अब सारे जो पेन खो गया था उसकी खोज होने लगी, सब जगह ढूंढ मच गई और क्लास टीचर ने मॉनिटर को ऑर्डर दिया कि हर बच्चे का बैग चेक करो, हर बच्चे के बैग का कोना कोना देखो और उस पेन को ढूंढो। द मिसिंग पेन वॉज सून फाउंड आउट ऑफ टिमीज बैग एंड द फ्यूरियस टीचर आस्क द एरेंट बॉय। अब क्या हुआ, जब बैग्स की चेकिंग हुई, मॉनिटर ने एक एक बच्चे का बैग चेक करा, तो जो बैग पेन था वो किसके बैग में से निकला, वो तो निकलना ही था टिमी के बैग में से। तो अब टिमी के बैग में से जब वो पेन निकला तो जो बड़ी ही, वो जो टीचर गुस्सा हुई, बहुत ज्यादा एंगरी हो गई और उसने मतलब बहुत ही गुस्से से उसको, टिमी को बोला, नाउ टिमी व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, टिमी अब तुम बताओ तुम्हें अब इस बारे में क्या कहना है। टिमी वॉज इन टीयर्स, ही हैड नथिंग टू से। अब टिमी आंसुओं से, टिमी की आंखें भर गईं और वो रोने लगा, उसको कुछ नहीं कहना था, उसके पास कुछ था ही नहीं कहने के लिए, इनफैक्ट उसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे, वो क्या बोलता। व्हेन सैमी सॉ टिमी क्राई ही टुक पिटी ऑन द बॉय। अब जब सैमी ने टिमी को रोते हुए देखा तो उसको उसके ऊपर पिटी आ गई, दया आ गई। द काइंड बॉय डैट ही वॉज, ही हैड नो इल फीलिंग अगेंस्ट हिज क्लासमेट।
अब वो तो एक बहुत दयालु लड़का था और उसके मन में किसी भी अपने सहपाठी के लिए, अपने क्लासमेट के लिए कोई भी बुरी भावना नहीं थी. ही रिक्वेस्टेड हिज क्लास टीचर नॉट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट टिमी. उसने रिक्वेस्ट करा अपनी मैम से कि वो कोई भी एक्शन टिमी के अगेंस्ट ना ले, कोई भी उसको पनिशमेंट ना दें, कहीं कम उसकी पनिशमेंट उसको ना दें, उसकी प्रिंसिपल से कंप्लेन ना करें, कोई भी वो ना करें. टिमी नाउ डैट हिज स्टोलन पर्स वॉज फाउंड. अब उसने कहा कि आपको कंप्लेन करने से या कोई एक्शन लेने से या उसकी पिटाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका पेन तो उसको मिल ही गया है, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. तो उसने अपनी टीचर को कन्विंस करा कि मैम, वो बहुत काइंड हार्टेड लड़का था, दयालु लड़का था, सब पे तरस खा जाता था. तो उसने कहा कि मैम, प्लीज आप इसके अगेंस्ट में, टिमी के अगेंस्ट में कोई एक्शन मत लेना. दिस ओपन टिमीज आइज. ही कुड नॉट सी वॉट अ गुड बॉय सैमी वॉज. अब टिमी की आंखें खुल गई. उसको ये दिखने लगा कि सैमी जो है वो एक कितना अच्छा लड़का है. ही आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम हिज टीचर एंड सैमी. अब उसने सैमी और अपने टीचर से माफी मांगी. फ्रॉम दैट डे ही बिकेम फ्रेंड विद सैमी एंड ग्रेजुअली चेंज. अब क्या हुआ, जब उसको ये एहसास हुआ कि सैमी तो बहुत ही अच्छा लड़का है और उसने उसको इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी माफ कर दिया, तो उसने फिर उससे और सैमी से और टीचर से माफी मांगी. और उस दिन के बाद में सैमी और टिमी दोनों फ्रेंड्स मिल गए, बन गए. और सैमी क्योंकि एक अच्छा लड़का था, जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आपके अंदर भी अच्छी सारी बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती है. तो आहिस्ता आहिस्ता सैमी के साथ रहने की वजह से टिम्मी के नेचर में भी चेंज आने लगा. और अब वो भी सैमी जितना ही अच्छा बन गया. एवरीवन बिगैन टू लव टिमी एंड सैमी वॉज प्राउड ऑफ हिज न्यू फ्रेंड. और सब, अब टिमी क्योंकि अच्छा बन गया था, सैमी जितना मिसबिहेव नहीं करता था, सैमी की तरह बिहेव करता था, सबको प्यार करता था, सबकी रिस्पेक्ट करता था, तो सब लोग भी उसको प्यार करने लगे. और सैमी और टिमी दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्राउड फील करते थे, वो एक दूसरे की दोस्ती पर बहुत गर्व करते थे. डिस्पाइट बींग हर्ट बाई टिमी, सैमी गेव हिम बैक ओनली लव इन रिटर्न. बेशक टिमी ने सैमी को बहुत हर्ट करा, बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन फिर भी दुखी होने के बावजूद भी, टिमी से दुख मिलने के बावजूद भी, सैमी ने उसको बदले में प्यार ही दिया. दिस इज हाउ वी शुड ट्रीट आर एनिमीज. हमें अपने दुश्मनों को इसी तरह ट्रीट करना चाहिए, हमें अपने दुश्मनों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए. हु नोज, वन डे आ बिहेवियर में जस्ट चेंज देम सेल्व फॉर द बेटर. ये किसी को नहीं पता है कि किसी दिन हो सकता है हम जो हमारा दुश्मन है उसको बदल दें, उसके बिहेवियर को चेंज कर दें और उसको एक अच्छा इंसान बना दें. तो यहाँ इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक तो अच्छी तरह सबसे बिहेव करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहिए, और हमारा जो दुश्मन भी हो, जो हमारा बुरा भी करता है, हमें उसके जैसा बुरा नहीं बनना है. हमें किसी की बुराइयों की वजह से अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना है. और हमें अपने जो हमारे साथ गलत करते हैं, हमारे साथ दुश्मनी निभाते हैं, हमें उन लोगों को भी माफ कर देना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कब किसके को क्या बात टच हो जाए और कोई इंसान बदल जाए. और अगर हम किसी इंसान को बदल पाएं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए होगा. हमारी अच्छाइयों को देख के अगर कोई बदल जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. खुद अच्छे होना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी अच्छाइयों से दूसरों के अंदर भी अच्छाइयाँ डेवलप करना ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है. यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है. गुड बाय.